समाज कार्य पदवी धारकों ने न्यायिक मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। महाराष्ट्र शासन ने BSW और MSW इस पद की जगह तत्काल भरी जाए, इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने BSW MSW विद्यार्थिनियों ने धरना आंदोलन किया। शिक्षा ले रहे तमाम 20,000 BSW और MSW धारक विद्यार्थियों पर रोजगार के अभाव भूखे मरने के नौ बताई है। साथ ही लाखों आजी माजी समाज कार्य शिक्षा लिए विद्यार्थी रास्ते पर आए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर शासकीय कार्यालय में MSW और BSW साथ ही काउंसलर की भी जगह खाली नहीं और समाज कार्य का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है। महाविद्यालय में समाज कार्य शिक्षा ले रहे विद्यार्थी समाज के विविध घटकों तक पहुंचने के लिए MSW और BSW विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं, इसलिए वह जगह जल्द से जल्द भरी जाए और जो शासन निर्णय निकाला गया वह तत्काल पीछे लिया जाए। इसके लिए BSW और MSW के विद्यार्थी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन पर बैठे। आदिवासी विभाग ने जो GR काढला आहे की ज्या अधीक्षकच्या पद होत्या त्या आमच्यासाठी रद्द करण्यात आल्या, ज्या आमच्या हक्काच्या पद होत्या त्यांना म्हणून आम्ही आज धरणे आंदोलन केले आहे इथे। महाराष्ट्र शासन का जो 20 अगस्त 2019 में जो GR पास हुआ है वो GR ये कहलाता है कि पहले में समाज कार्य शिक्षा समाज कार्य एजुकेशन जो कर रहे थे स्टूडेंट, वहाँ पर ये था कि अधीक्षक और अधीक्षका पद के लिए लेबल थे, और अभी शासन निर्णय के अनुसार शासन GR के अनुसार शासन ये कहलाता है कि अधीक्षक और अधीक्षका पद के लिए MSW धारक BSW धारक स्टूडेंट अभी वो पद धारण कर नहीं सकते, इसलिए जो MSW धारक और BSW धारक स्टूडेंट के ऊपर जो अन्याय हुआ है इस अन्याय के लिए उनके लिए ये लड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं।